तो देखिए बनाना हो जब सुबह की भाग दौड़ में आपको 5 मिनट में कुछ चटपटा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, स्कूल टिफिन स्नैक, तो उसके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए घर में अवेलेबल 2 इंग्रेडिएंट से आज हम ये शानदार ब्रेकफास्ट आपके लिए बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ रेसिपी। बिल्कुल, इसका मेन इंग्रेडिएंट है मलाई। मलाई, फ्रेश मलाई लेंगे हम। इसमें सूजी डालेंगे। तो देखिए मलाई इसका मेन इंग्रेडिएंट है। जितनी मलाई है आपके घर में उसमें सूजी आप अकॉर्डिंग उसके डाल सकते हैं। अब इसको है ना थोड़ी देर 15 से 20 मिनट इसको भिगो के रखनी होती है। ऐसे ही, मतलब ऐसे ही इसको 15 मिनट हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सूजी फूलेगी ना, ये मैंने भिगो के रखा है। अच्छा, तो देखिए 15 मिनट बाद, और अगर ये ज्यादा आपका टाइट हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी हम दिखा देते हैं। ये देखो, अब इसमें सब्जियां जाएंगी। अच्छा, जैसे आप ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च दोनों है इसमें। अच्छा, थोड़ी टमाटर डाल लो। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी काली मिर्च, ऐसे नमक। तो देखिए ये बिना प्याज का आज हम आपके लिए शानदार ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट या टिफिन स्नैक बच्चों का, या फिर वो स्कूल से जब आते हैं तो आप उसके लिए बना सकते हैं। प्याज भी डाल सकते हैं आप इसमें। हाँ, फिर एक ब्रेड लेंगे हम यहाँ पर, लेंगे अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के ऊपर, फिर ये उल्टी साइड से इसको रख देंगे, सिकने देंगे। ओके, तो देखिए उल्टी साइड से रख दिया। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम अनीता शर्मा जी की किचन में आपको दिखाने के लिए उनका ये जबरदस्त नाश्ता। तो देखिए अब इसको बटर से हम सेकेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है आंटी, यहाँ पे हमने बटर क्यों नहीं डाला पैन में? पैन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसमें मलाई है ना। हाँ हाँ, मलाई में घी होता है। हाँ, इसलिए वो। अच्छा, इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। मैं खुद ही सोच रही थी कि हमने डायरेक्ट क्यों डाला है यहाँ पर, और सिर्फ ऊपर ही हमने बटर लगाया है। बटर लगा दिया ताकि क्रिस्पी हो जाएगी अभी। हाँ, नीचे का सिक जाएगा फिर ये सिक जाएगा। और देखिए क्या शानदार ये सिका नहीं है। थोड़ा सा इसको सिकने देंगे, आराम से सिकने देंगे, क्रिस्पी होने देंगे इसको। जब तक एक और बना देती हूँ आपके लिए। तो देखिए क्रिस्पी हो रहा है यहाँ पर एक और। अब हम यहाँ पे स्टफिंग लगाएंगे। मलाई लग रही है तो बटर की भी जरूरत नहीं है इसमें, मलाई चिकनी होती है, इसमें जरूरत ही नहीं है। तो देखिए सिक रहा है हमारा ये जबरदस्त स्नैक। देखिए सिर्फ इसमें कैप्सिकम और टमाटर आपको चाहिए, आप फटाफट इसको बना सकते हैं। इसको प्रेस करके सेक लेंगे दोनों साइड से यहाँ पर, जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो सिक चुका है हमारा यहाँ पे मलाई टोस्ट आपके लिए, झटपट छोटी मोटी भूख के लिए आप बना सकते हैं इसको। तो देखिए अब इसको कट करके हम सर्व कर देंगे। और इसको अब आप टोमेटो केचप के संग, हरी चटनी के संग आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो बन चुका है हमारा ये शानदार नाश्ता। इसको सर्व करिए सुबह सुबह और खाइए, चाय के संग भी इसको खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच आंटी फॉर अ वंडरफुल रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा। बाय बाय एवरीवन।